आपको बता दें कि पूरा मामला खेरागढ़ सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरागढ़ का है, जहां लगातार लोगों को सही समय पर नहीं दिया जा रहा है ट्रीटमेंट। जहां खेरागढ़ में डॉक्टरों की बात की जाए तो समय पर उपस्थित नहीं मिलते हैं डॉक्टर। आप देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुन्नालाल निवासी विश्रामपुर अपने पिता को सीएचसी केंद्र खेरागढ़ पर एडमिट कराया, परंतु बलराम सिंह अस्थमा के मरीज थे, समय पर ऑक्सीजन नहीं दी गई, जिसके चलते बलराम सिंह की मृत्यु हो गई। बलराम के परिवारजनों का कहना है कि न तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरागढ़ पर किसी भी प्रकार कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और न ही अधीक्षक महोदय उपस्थित रहते हैं, और 3 घंटे से मेरे पिताजी को ऑक्सीजन और ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, जिसके चलते मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। आए दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यही रवैया रहा है, जहाँ पर न तो सरकारी सुविधाएं भी ग्रामीण को नहीं दी जाती, इसके चलते लोगों के मन में आक्रोश भरा हुआ। आखिरकार कब सीएचसी केंद्र खेरागढ़ पर इन सभी घटनाओं को देखते हुए आखिर कोई कार्यवाही क्यों नहीं करता है प्रशासन? अजीत कुमार निवासी अकोला, सीआरपीएफ को भी नहीं दिया गया है ट्रीटमेंट। तो क्या परेशानी हुई है इनको? इनको सुबह सांस की बीमारी थी, सवेरे ज़्यादा उतरी, तो इसके कारण इन्हें यहाँ लेके आए थे। एम्बुलेंस पे फ़ोन किया 108 पे। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है बलराम। तो एम्बुलेंस यहाँ छोड़ के चली गई। तो यहाँ पे अंदर डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कुछ दवाई लगाई, उनके बाद में उन्होंने रेफर किया। यहाँ पड़े पड़े 2 घंटे हो गए हमें, लेकिन ना तो एम्बुलेंस आई। एक एम्बुलेंस आई थी, वो बगैर ऑक्सीजन की थी, इन्होंने ऑक्सीजन की ली थी, जब से एक भी एम्बुलेंस नहीं आई है। कितनी देर की बात है ये घटना, कितने बजे की? डेढ़ दो घंटा हो गया। डेढ़ दो घंटा हो गया। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 12:30। कौन बज गया? कौन बज गया था? कौन बज गया? लगभग 11 बजे की घटना है। तो जब से अभी तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मुन्ना लाल है। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं ग्राम विक्रामपुर है सर। और ये कौन लगते हैं आपके? ये मेरे पिताजी हैं सर। क्या नाम है इनका? इनका नाम बलराम सिंह है जी। क्या घटना हुई है इनके साथ में? इनके साथ में इनको हम दिखाने के लिए लाए थे, इनको सांस की बीमारी थी, यहाँ पे लाके एम्बुलेंस ने 108 ने यहाँ पे भर्ती कर दिया। इनके बाद में डॉक्टर साहब ने वो किया इलाज, उसके बाद में इन्होंने रेफर कर दिया। यहाँ 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में तड़प तड़प के इनकी जान निकली है। यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं हुई, ना कोई एम्बुलेंस आई यहाँ पे। पुलिस प्रशासन को सूचना थी? पुलिस प्रशासन को सूचना थी, 12 नंबर व्यस्त जा रहा था, 112 व्यस्त जा रहा है, और एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई है। एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई है। डॉक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया अभी आपको? कुछ नहीं कहा, बोलकर चले गए थे। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार है। डॉक्टर साहब आज जो विश्रामपुर के जो अधेड़ व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण सीएससी पे, ये क्या मामला है? देखिए इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सीएससी पर ऑक्सीजन मिलने ना मिलने के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई है। उनको 11 बजे सांस लेने में तकलीफ के कारण जो उनको लाया गया था जी, और जो है वो पुराने अस्थमा के मरीज थे जी। तो पुराने अस्थमा के मरीज थे तो उनको हमने इनहेलर दिया जी, उनको हमने जो है सांस की दवाई भी दी जी, और जो है जब उनका ऑक्सीजन लेवल नापा गया पल्स ऑक्सीमीटर से तो वो कम आ रहा था जी, तो उसको उनको फिर जो हमने उन बुजुर्ग को हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था। मैं निवासी हूँ अकोला। अकोला से? अच्छा, आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है कि हमारे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, जितने भी सरकारी ये एक हॉस्पिटल है, इनमें मैं यहाँ पे खड़ा हुआ खेरागढ़ में। किस जगह? खेरागढ़ में? खेरागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे यू आर नथिंग, यहाँ पे कोई सुविधा हमको नहीं दी जाती है। कोई गरीब आता है उसके लिए 2 दवा दी जाती है, उसके बाद उसको बाहर से दवा लेने के लिए बोला जाता है जी, और यहाँ से एक दवा नहीं दी जाती है सही दवा यहाँ से जी। तो इस संबंध में आपने आला अधिकारियों से शिकायत नहीं की? हाँ, शिकायत की, कोई अधिकारी नहीं सुनता इस बारे में। अधिकारियों से हमने बात करके देख लिया, सब यही बोलते हैं ठीक है चलो हम कर रहे हैं। कर कब रहे हो? यू आर नथिंग, कर कब रहे हो आप? करेंगे वो नहीं, आला अधिकारी हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सरकार इतनी गंदी। आप स्वतंत्र नागरिक हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। हम स्वतंत्र नागरिक हैं, पर जब एक हम अपनी आवाज उठाते हैं तो उससे पहले एक हमको दबाने के लिए 4 आदमी खड़े हो जाते हैं। तो ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें कोई दबा नहीं। कॉन्फिडेंस हमको इतना है कि हम ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनको मानने की हिम्मत रखते हैं, पर यू आर नथिंग, उसके बाद यह क्या हमारा प्रशासन हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, हम क्या कर सकते हैं? तो मारने पीटने की नौबत ना आए, उसके अलावा आप कागजी नहीं नहीं देखो कागजी कार्रवाई हमने बहुत करके देख ली। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र, अकोला ले लो, कागरा ले लो, खेरागढ़ ले लो, सैया ले लो,
और जो कोई भी है उनको भी ले लो, पर यू आर नथिंग। कहीं भी आगरा डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ से कितनी किलोमीटर की दूरी पर? आगरा डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ से एक है पड़ेगा 20 किलोमीटर, यहाँ से पड़ेगा 30। आप आगरा आगरा जो है आगरा डिस्ट्रिक्ट आला अधिकारियों के पास जाके शिकायत कर सकते हो उनकी लिखित में। तो सर आप इतना बताओ कि अगर एक किसान आदमी यार किसान का बच्चा अगर आगरा जाएगा जी और वहाँ जाने के बाद समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो दोबारा नहीं जाता है? देखो क्यों नहीं जाता है, क्यों? उसमें इतना पैसा नहीं है कि वो वहाँ जाएगा और वहाँ पे जाके इन समझ कि इनको एक एक लाख रुपए आप सैलरी किस बेस में दे रहे हो? बिल्कुल क्यों दे रहे हो इनको सैलरी? इनको उठाओ। सुनो भैया आपकी समस्या है, आप ही आवाज उठाएंगे, आप ही संघर्ष करेंगे। संघर्ष हम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं तभी हम आपके सामने खड़े हैं। संघर्ष करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। ये सफलता इस देश में नहीं मिल सकती है क्योंकि इस देश में शासन एक साला अत्याचारों का शासन बढ़ा हुआ है। यहाँ पे जितने भी गंदे लोग हैं वो ही शासन कर रहे हैं। यू आर नथिंग। अगर कोई सही आदमी शासन कर रहा है उसको कोई करने नहीं देता यहाँ पे शासन। और रही स्वास्थ्य केंद्रों की समस्या की, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की इतनी समस्या गंदी हो रखी है। हॉस्पिटल जाते ही 2 रुपए की गोली लिखने के बाद बोलते मानी बाहर से ले लो। क्यों भाई ये बाहर से अगर लेता तो फिर आर9 भारत के लिए संजय सिंह तोमर की रिपोर्ट आगरा से।